इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? भी लगा कि प्रॉपर में आप थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र नगवाल है, आप देख रहे हैं देवेंद्र नगवाल एशिया टेलीकॉम। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सिर्फ चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो मेरी जान, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज मैं आपको स्टेंसिल की कैटेगरी बता रहा हूँ आईफोन से लेकर एंड्रॉयड तक, कि क्या क्या हमें स्टेंसिल्स मिल सकती हैं और कौन सी स्टेंसिल लेनी चाहिए कौन सी स्टेंसिल नहीं। मैं इसी स्टेंसिल पे एक वीडियो भी डालूंगा प्रैक्टिकली, जिसमें मैं आपको रिवॉल्व करके बताऊंगा और बताऊंगा कि बेसिकली क्यों हमें स्टेंसिल नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेंसिल बताऊंगा, मैग्नेटिक, जैसे कि आप ये स्टेंसिल देख रहे होंगे, ये आईफोन की मैग्नेटिक है। इसमें ये देखिए, ये इस तरह से कुछ मैग्नेटिक ऐसे चिपक जाती है, जिसमें सीपीयू की हम ये स्टेंसिल्स होती है, जिसमें हमारा A8 से लेकर A10 और A11 A12 तक का CPU इसमें आता है। और यहाँ पर एक बार यहाँ पर आपका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट DC के एक कनेक्टर से होता है, DC से कन्वर्टर से होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट करके इसको ऑन करता है। और नीचे एक प्री हीटर जैसा होता है जो रिबॉलिंग कर देता है। खैर, ये लेना चाहिए बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये वाली आप, क्योंकि ऑलरेडी जो आईफोन पे काम कर रहे होंगे वो मेरे इस बात से इस बार एग्री होंगे, फर्स्ट टाइम एसर टेलीकॉम से एग्री होंगे कि हाँ ये नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इसका जो मैग्नेट होता है ये बहुत जल्द ये ख़राब हो जाता है ज़्यादा हीटिंग की वजह से। जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो ये चिपक रहा है और उसके बाद में इसका मैग्नेट ही धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। और ये क्या होता है, जब हम इसको हीट देते हैं और जब यहाँ से पकड़ते हैं तो बीच में से ये फूल जाता है और ये बॉल्स बाहर निकाल देता है। तो बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ये सब वेस्ट मनी है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी, ये भी मैग्नेटिक है, ये हमारे एक्स की लेयर बनाने के लिए, तो दोस्तों ये भी मैग्नेटिक है और मेरे हिसाब से इससे भी अच्छी एक आती है नॉन मैग्नेटिक, हमें बोलनी चाहिए। इसमें भी यही होता है, हम जो इसमें पेस्ट यूज़ करते हैं वो 138 का पेस्ट यूज़ करते हैं आईफोन एक्स में। और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए 3D की सबसे सॉलिड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3D की स्टेंसिल्स हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं, पर CPU लेवल पे ये इतनी अच्छी नहीं है। पर ये A11 की, इससे मैंने अभी CPU रिवॉल्व किया, काफ़ी अच्छा रिवॉल्व हुआ, वन टाइम में हो गया और मेरे हिसाब से ठीक है ये स्टेंसिल मेरे लिए। पर इसके और भी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि A11 A10 तो ठीक है, बट A8 के लिए ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बीच में से बॉल उसमें भी जा रहे हैं। पर हालांकि वन टाइम टू टाइम में बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरे हिसाब से 3D स्टेंसिल भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सॉलिड है दोस्तों। अगर आपको परचेस करना है, जेडएक्स मलिक का नंबर दे रहे हैं, जाइए परचेस कीजिए, एक जेन्युइन आपको वहाँ पर सेलर है वो। दूसरा और सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मैं प्रेफर करता हूँ रिबॉलिंग के लिए, ये ब्लैक स्टेंसिल्स, ये काइंडली की ब्लैक स्टेंसिल है, 2D स्टेंसिल बोल सकते हैं आप इसको। देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो स्टेंसिल्स है A10 CPU की है, आईफोन 7 प्लस में जो A10 CPU आता है ये उसके लिए है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है, तो ये आप यूज़ कीजिए दोस्तों। तो मैं तो बताऊँ सबसे बेस्ट यही होती हैं। और हालांकि उसके कम बजट पर अगर हम बात करें तो MU की भी बहुत अच्छी स्टेंसिल्स हैं। देखिए ये स्टेंसिल्स कभी भी किसी दुकान पर जाए ना, पर उससे पूछ लीजिएगा भैया इसको चेक कर सकता हो कि नहीं, तो पता चला आपने तो स्टेंसिल्स ही मोड़ी, तो थोड़ा सा उसको बैंड कीजिए, तो वो वापस आ जानी चाहिए, बैंड कीजिए वापस आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये स्टेंसिल बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी कंडीशन में है। और ये स्टेंसिल्स काफ़ी अच्छी है, वन टाइम रिबॉल होता है। और इसके अलावा अगर मैं स्टेंसिल की बात करूँ, थोड़ा लो क्वालिटी में अगर स्टेंसिल की बात करूँ, तो यहाँ पर ये वुलसोलो की आपको मिल जाएगी, थोड़ी लो क्वालिटी है, यहाँ पे मैं आपको ये देखिए ये वुलसोलो की मिल जाएगी, देखिए थोड़ा सा मोड़ा वापस आ रही, थोड़ा सा मोड़ा वापस आ रही, इतना बहुत है, पूरा मत मोड़ देने तो वो तो मुड़नी है, बट ये स्टेंसिल तो पूरी मोड़ जाएगी। पर देखो थोड़ा सा मोड़ा वापस आ जाएगी, थोड़ा सा मोड़ा वापस आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये स्टेंसिल्स भी अच्छी हैं। और उसके अलावा भी जो स्टेंसिल्स आ रही है मार्केट में दोस्तों, कुछ भी मत परचेस करो, जो GSM सोर्स अच्छा है वो बहुत बेस्ट है, तो महंगा भी है। WL बहुत अच्छी स्टेंसिल्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। सो
सो स्टेंसिल्स के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पूरा मोबाइल हार्डवेयर उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ईएमसी को रिवॉल्व कर रहे हो, आप कितनी भी एक आईसी को ज्यादा हद तक तो रिवॉल्व कर नहीं सकते। एक आईसी को एक बार भाई 5 बार भी रिवॉल्व कर लोगे चलो ठीक है लग जाएगी, पर हो सकता है कि ज्यादा रिवॉल्व करने से वो आईसी हीट हो जाए, खराब हो जाए, उसके पैड निकल जाए। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, वो यूट्यूब देख के ही सीख रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहा था। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते तो उनको रिवॉल्विंग का परफेक्ट ज्ञान मिलता, वन शॉट में रिवॉल्व कर लेते, तो उनके लिए कोई भी स्टेंसिल की हर स्टेंसिल में रिवॉल्व करना उनको आता। पर जो यूट्यूब देख रहे हैं और जो कस्टमर के मोबाइल में लगे पड़े हैं, तो बेसिकली वो यही काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको या तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर रिवॉल्विंग नहीं आती है सीखिए, प्रॉपर जाइए हमारे पास आइए, हम तो शुरू के 2 दिनों में आपको रिवॉल्विंग में परफेक्ट कर देंगे। और ऐसी कोई भी ऐसी नहीं होगी जो आप रिवॉल्व नहीं कर पाओगे। और उन 2 दिन में तो हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, फ्री में आपको रिवॉल्विंग सिखाई जाएगी। ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम अगर फ्री में रिवॉल्विंग सीखनी है तो, बट उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना होगा। और अगर आपको 2 दिन में लगे कि रिवॉल्विंग नहीं सीखे, और उसके साथ ट्रेसिंग भी सिखाएंगे, अगर आपको लगे कि यार ये 2 दिन में यार इतना सीख गया मैं, इतना सब कुछ जितना मेरे अब तक 8 साल में आना चाहिए, तो फिर उसका 3rd दिन ज्वाइन करो, नहीं तो फिर घर जा सकते हो। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, उल्टा घर हमने भेजे कुछ लोगों को। खैर ये होता रहता है दोस्तों। मैं बताऊँ, बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है कि मेरे से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं जब पूछता हूँ कि तुम आज क्यों आए, तुम पहले क्यों नहीं आए, बोले थे सर अगर मैं 2 साल पहले, जो स्टूडेंट 2 साल से काम कर रहे हैं या 8 साल से, कि अगर सर मैं कुछ सालों पहले यहाँ आ जाता, आपके पास आ जाता या एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर लेता, सो आज उसका मार्केट में लेवल कुछ और ही होता। तो क्योंकि वो जो लैक हो रहा है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको दुकान में बैठे ही बैठे सब कुछ मिल जाए, सब सीख लें, सो ये पॉसिबल नहीं है। और हर चीज़ पॉसिबल दोस्तों, हमें घर पे ही सब कुछ मिल जाए। आप बिस्तर पे बैठे हो, आपको मुंह में खाना आ जाए, आप वहीं नहा लो, वहीं सब कर लो, ये पॉसिबल भी नहीं है। वैसे ही ज्ञान लेना है तो घर से निकलना होता है। यूट्यूब हमें अपडेट करता है, यूट्यूब हमें और लोगों की जानकारी देता है, यूट्यूब हमें कनेक्ट रखता है हमारी टेक्नोलॉजी से। पर अगर किसी चीज़ को सीखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कॉलेज जाना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, तो यूट्यूब से तो पीएचडी कर नहीं सकता, अगर यूट्यूब में पूरा कंटेंट डला है, पूरा पीएचडी लेवल का कंटेंट डला है, 1 KG से लेकर पीएचडी तक सब कुछ, जो पढ़ाई, जो आप सब्जेक्ट बोलेंगे सब यूट्यूब में डला है। आईएएस बनना है, पूरी कोचिंग की क्लासेस डली है, फिर भी लोग आईएएस की क्लासेस जाते ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यूट्यूब आपको अपडेट करता है, सिखाता नहीं है। सो आज भी वक्त है, अपना समय मत बर्बाद कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे टेक्नोलॉजी और आगे चली जाए और आप बहुत पीछे रह जाए, फिर आप सोचे कि आज मैंने पीछे से ज्वाइन किया होता। तो आगे आने वाली चीज़ों को अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली आईफोन जो लोग करते हैं और वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, जो ऑलरेडी एंड्रॉइड कर चुके होते हैं, पर जो डायरेक्ट आईफोन में उतर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, पर उनको थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप अभी से एंड्रॉयड करना चालू करेंगे तो आगे जाके आईफोन भी बहुत अच्छे से कर लेंगे और अच्छा हाथ आपका आईफोन में हो जाएगा। सो मेरी बात को इम्पोर्टेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक सलाह है हमारी तरफ से और हमारे व्यूवर्स को। तो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी पहली बार देख रहे हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है प्रोफेशनल चैनल, और जो मेरा जो हमारा मेन चैनल है एसर टेलीकॉम का, उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फैलाइए पूरे देश भर में। जिस चीज़ को नहीं पता उसको बताइए जाकर, ताकि उन लोगों को पता चले कि इंडिया के अंदर भी एक नंबर वन इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एसर टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटेड, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों आपको जो भी ये स्टेंसिल लेनी है, आप ZS मनी से परचेस करो, कहीं से भी परचेस करो, पर अगर ZS मनी से परचेस करते हो और हमारा एसर टेलीकॉम का खासकर नाम यूज़ करते हो, तो आपको ऑन द स्पॉट 10% डिस्काउंट जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसमें दे देंगे। सो ये चीज़ आपको, और ये भी जो समय अवधि में बता रहा हूँ, ये भी सिर्फ 1 महीना के अंदर है, 1 महीने के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ, 1 महीने के बाद भी ये 10% 5% में बदल जाएगा, और तब भी 5% रहेगा, क्योंकि आप एसर टेलीकॉम के सब्सक्राइबर हैं और इसलिए आपको बनता है, इसलिए बनता है आपको देना। चलिए देखिए, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए चैनल से। इतने सारे स्टेंसिल्स के बारे में बताया, मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन से स्टेंसिल्स लेनी चाहिए, कौन से स्टेंसिल्स नहीं, जिनको नॉलेज है वो भी बताइए, जिनको नहीं है वो भी।
और हमारे चैनल पे बहुत सारे नए नए वीडियो आने वाले हैं जिसमें हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डालने वाले हैं। अपने स्टूडेंट के तो हम डालते ही हैं, साथ में हम कुछ आपको सोल्यूशन भी देने वाले हैं। सो उसके लिए जुड़े रहे चैनल से। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताओ कैपेसिटर के बारे में आप बता रहे हैं, कैपेसिटर में बताओ कितने प्रकार के आपने कैपेसिटर देखे हैं यहाँ पर? नौ, अगर एनपीसी की बात करूँ तो मेन तो मतलब दोनों होता है ब्राउन कलर का, दूसरा रहेगा ग्रे कलर, ग्रे कलर का, तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है, दो ग्राउंडिंग होती है, तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, मेरे साथ में है 28 जनवरी का बैच और ये कितने दिन का आउटपुट बना रहे हैं हम? पांच दिन का हम आउटपुट बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबोलिंग सीखी है बताइए, किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबोलिंग सीखी है? सबको रिबोलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से सीपीयू निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है यहाँ पर? चलिए एक बार नंबर बताइएगा जिसने एक से ज्यादा बार किया है, बताइए एक एक करके बताओ। दो बार, पांच बार बनाया है, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। और यहाँ पर आप फ्रेशर हैं? कितने लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है? यहाँ पे हाथ उठाइए। साथ में है 28 दिसंबर का बैच और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? पांच दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि पांच दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, तीन बार, छह बार, पांच बार, सर, चार बार, दो बार। फिर अरे वकार खान ने भी दो बार किया है, वेरी गुड, सात बार, वेरी गुड, दो बार, तीन बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, छह बार किया आपने, चार बार किया है, वेरी गुड, इसमें से दो बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल, आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है, अच्छा ठीक है, आदि चेहरे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो, कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने? तीन बार, दो बार, नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार, क्या बात कर रहे हो, इतना दो बार किया है, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है? कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबोलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए, जिनको रिबोलिंग आती है, सबको रिबोलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर पांच दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ पांच दिन की, पांच दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ पांच दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने छह बार, सर पांच बार, सात बार, दो बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ, तीन बार, चार बार, पांच बार, तीन बार, दो बार। तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार, तो चार बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के, अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर,
क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस जिस जिसका हमने एन आईएसओ 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन.